दशमी ना मिले दिन रे पर आज समझावे चंदेरी का रहने वाला बाप पैसे वाला है, गोरा है ना कि काला है, दिल वाला है और रिश्ता में साला है, तो क्या हुआ? मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसे रहे? चंदेरी का रहने वाला है, बात पैसे वाला है और रिश्ता में साला है, तो क्या होगा? हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गई होगी सुनते ही सुनते। दांती को पीस करके भीष्मा बोले, कभी क्या कह रहा है? ये बात कहने से पहले तू मरा नहीं, तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ कर सकता है? रुक्म बोला, क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसी से हो। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी भूल की, अगर कन्हैया को घर में बुलाने की जरा भी कोशिश की, तो नतीजा गलत हो जाएगा। नहीं चाहते कि हजारों औरतें विधवा हो जाए, नहीं चाहते कि बच्चे अनाथ हो जाएं, और नहीं चाहते कि बहन की शादी में हजारों जीवन की बर्बादी हो जाए। अगर कन्हैया घर में आया तो परिणाम गलत होगा, जो तुम सोच भी नहीं सकते। और क्रोध में आकर के रुको बोला, मेरे सामने और ये चाली नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी भपकी होगी तो काम नहीं चलेगा। कन्हैया घर में आएगा, परिणाम गलत हो जाएगा। अगर कन्हैया को घर में बुलाने की भूल की,
तो नतीजा गलत हो जाएगा। और एक बात और कान खोल के सुन लो, बहन की शादी तो बाद में होगी, पहले तुम्हारी लाश इस घर से निकल जाएगी, समझ गए? साले का नाम लिया पागल हो गए? इतना बड़ा पैसे वाला है तो मुझे ऐसो को पानी तक ही नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा साला है कहेंगे तो मान जाएगा, उठा चला गया। नाई और पंडित जी को अपने करीब लाया, इधर आ ब्राह्मण, तुम्हें तो पता है हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले हैं। हाँ, एक काम करो, चंदेरी में जाओ और हमारे साले ससुराल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आओ। उसे ये जरूर कहना, भैया हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन जैसे भी हैं, जो भी है वो निभा जरूर ले। एक खत भी लिखा उसने ससुराल के लिए, क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससुराल, आज हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे किस लिए? हमने भी फैसला किया कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे ही कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे पिताजी जो हैं वो कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे हैं। अगर कन्हैया घर में आ गया, हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए बड़ा तैयारी से आना, पांच लेके आना। और भी कुछ लिखा उसने, क्या लिखा खत में? ससुराल के लिए खतरों को लेके आना। बात तो सियारी से आना, क्योंकि कन्हैया का नाम ज्यादा आ रहा है। अगर कन्हैया घर में आ गया, हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। ये एक हार और एक मुकुट से जो हमें सम्मानित किया है, और एक हार हमारे सर्वेश को भेंट कर रहे हैं, 20-20 रुपया साथियों को। ये पंचम यादव नगला मोहिया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से और ये 51 रुपया भेंट किए हैं अंशिका यादव, सन ऑफ सतीश यादव आड़ती, ये नगला धनी, उनकी तरफ से आए, अंशिका की तरफ से 51 रुपये आए हैं। कामना करते हैं भगवान समाज में सम्मान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, का ले जा, जा। ओ, जल्दी टीका चढ़ा के आओ। चले हैं नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से चंदेरी में, जब ससुराल का दरबार लगाया, जो ससुराल ने देखा
आइए पंडित जी, कहां से आए? बोले हम कुंदनपुर से आए। इधर आ, बातों हमारी बहन रहती है पंडित जी, हमारे बहनों ही रहते हैं, सब ठीक है? बोले हाँ, हम तुम्हें बता रहे ससुराल तुम्हारी बहनों ही हैं, अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससुराल? जो ससुराल ने सुना, रुक्मिणी से शादी, बहनों ही की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार? पंडित जी, मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारे जैसे बहनों इस सबकाऊ को मिले, हम तैयार, एकदम तैयार। लेकिन जब खत खोला, कढ़ैया का नाम पढ़ते ही पढ़ते उसका दिल दबने लगा, कह पंडित जी इसमें ये क्या लिख दिया, कन्हैया आएगा, और जब कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी? बाद में ससुराल ने सोचा होगी क्यों नहीं होगी, जो हमारे बहनोई ने तारीख लिख के भेजी है शादी वाली, हम उस दिन जाएंगे नहीं, शादी से 10-12 दिन पहले जाएंगे, शादी करके लौटे आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा लौट जाएगा, पंडित जी हम तैयार। बोले बढ़िया है, अपने मौसी के लड़का दंत बकर से बोला तुम फौज सजाने की तैयारियां करो, फौज सजाओ। अब दंत बकर इधर फौज सजाने में लग गया, कैसी फौज सजी है ससुराल की, तो एक कवि ये कहता है, दरफाज सजाने में लग गया, फाज सज रही है दंत वक्र की बहन, और उधर ससुराल पहुंच गए अपने भाभी के पास, बोले भाभी कुछ औरतों को बुला ला, गीत गा, दूल्हा बना। भाभी बोली दूल्हा ना तो कम से लगन आई, और ना कम से टीका आओ, और ना शादी भाई आए, तो ऐसे दूल्हा बन के किसके घर जाओगे, बुद्धि खराब है? बोले पागल हम नहीं भाभी, पागल तुम हो, तुम तो जानती हमारे बहनों ही कितनी अच्छी आदत के हैं। आहा, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुराया, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूं। भाभी बोली नंद पागल हो क्या कह रहे हो? अरे वो तो तुम्हारी पूजनीय का देवी है देवी। ससुराल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल तो शादी बंद हो जाए, हमें देवी देखनी है शादी करनी है, तब दूल्हा बना। अब वो दो चार लड़कियां बुलाए ले आई ससुराल को दूल्हा बनाने लगी, और जब दूल्हा बनाया तो ससुराल को असगुन ज्यादा हो गए, असगुन कैसे असगुन?